चैनल ओडिशा हाई स्कूल क्लासेस तरफ समस्त स्वागत जनाऊँगी पिले चलित शिक्षा वर्ष अर्थात 2023-24 प्रकाशित हो सारी सौरभ टेस्ट पेपर यही सौरभ टेस्ट पेपर रु आम प्रैक्टिस सेट डिस्कशन करूँ आज आम प्रैक्टिस सेट टू षाणमासिक परीक्षा पाई अर्थात हाफ इयरली एग्जामिनेशन सेट वन ऑलरेडी आम डिस्कशन कर सारी आज आम सेट टू रो एमसीक्यू डिस्कशन करवा पिले माने जो माने मो चैनल रे नुआ मात्र एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करना यहाँ को सब्सक्राइब कर दियो लाइक कर दियो एवं तुम सांग मानक सहित शेयर कर दियो तेबे डेरी करबानी आस आज वीडियो स्टार्ट करवा क्वेश्चन नंबर वन लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड द फॉलोइंग संडे एट डैश अर्थात लेंचो रविवार दिन केते बेले चिठीटी लिखला आम जाने द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगन टू राइट ए लेटर टू गॉड अर्थात प्रत्युषरे पाहंतारे से भगवान पाखो को चिठी लिखला सो द राइट आंसर होची एट द डे ब्रेक ऑप्शन ए होची राइट आंसर क्वेश्चन नंबर टू इट इज रियली गेटिंग बैड हु सेड इट यह वर्तमान खराब हवाकू जाऊँ ए उक्ति कहार ना ए उक्ति हूँ लेंचोर व्वेन ए स्ट्रंग विंड बिगन टू ब्लो एंड एलोंग विथ द रेन भेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल इन द टाइम लेंचो सेड दैट इट इज रियली गोइंग बैड नाउ सो इट इज सेड बाय लेंचो ऑप्शन सी लेंचो इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री द हेलस्टोन्स रिजम्ड डैश से हेलस्टोन गुड़िक क्या पर जना पड़ा ना दिज ट्रुली डीड रिजम्ल न्यू सिल्वर कॉइन न्यू सिल्वर नुआ रूपा मुद्रा पर देखा जाऊला सो द हेलस्टोन्स रिजम न्यू सिल्वर कॉइन्स सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर द नाइट व्हेन द हेल रेन वाज ए और आन डैश से रातिटा कौन थिला लेंचो पाई अर्थात लेंचो फैमिल पाई दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन सो द नाइट व्हेन द हेल रेन वाज ए सोरोफुल वन सो द राइट आंसर इज सोरोफुल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव गांधी ऑब्टेंड स्कॉलरशिप ऑफ डैश रुपीज इन द सिक्स्थ स्टैंडर्ड वी नो दैट गांधी गॉट स्कॉलरशिप इन द स्टैंडर्ड फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड फिफ्थ क्लास रे से केते रुपीज स्कॉलरशिप पाइले पे मन रखा फिफ्थ क्लास रे 4 रुपीज सिक्स्थ क्लास रे 10 रुपीज एठे पचार छि सिक्स्थ स्टैंडर्ड रे से केते टंका स्कॉलरशिप पाइले 10 रुपीज द राइट आंसर 10 रुपीज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स गांधी ओन प्राइजेस आफ्टर ही पास्ड आउट ऑफ द डैश स्टैंडर्ड व्हेन गांधी पास्ड आउट द सेकंड स्टैंडर्ड ही ओन प्राइजेस जिते बेले से द्वितीय स्टैंडर्ड पास कले से प्राइजेस जितबा आरंभ कले सो द राइट आंसर इज सेकंड स्टैंडर्ड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवेन गांधी हाड ए फॉल्स आइडिया दैट डैश हाड नथिंग टू डू विथ एजुकेशन माने कौन शिक्षा सहित संपर्कित नुहे यह गांधीजी गोटे मिथ्या बा फॉल्स आइडिया थिला कौन ना जिमनास्टिक्स गांधी हाड ए फॉल्स आइडिया दैट जिमनास्टिक्स हाड नथिंग टू डू विथ एजुकेशन सो ऑप्शन सी जिमनास्टिक इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर एट द न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ डैश इज लोसार अर्थात लोसार पर्वटी गोटे नुआ वर्ष पर्व एवं केउं राज्यर लोक माने एही लोसार पर्व पालन करंती द राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन पोपीर इज द नेम ऑफ ए डैश पिले पोपीर गोटे कौन ना पोपीर इज ए फोक डांस व्हिच इज परफॉर्म्ड बाय द यंग वुमेन इन द फेस्टिवल ऑफ मोपिन पिले मन रख मोपिन पर्व रे यंग वुमेन माने जे नृत्य परिवेषण करंती से नृत्य ना होची पोपीर सो पोपीर इज ए डांस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10
ଦ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଏ ନାଗା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଇ ମୋପିନ୍ ଲୋସାର ତିହାର ମହିସ୍ତୁ ମହିସ୍ତୁ ହେଉଛି ନାଗା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ସୋ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ମହିସ୍ତୁ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ ଗଡ୍ ହାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଗ୍ଲୋଇଂ କଲର୍ସ ଟୁ ଦ ଲିଟିଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଭଗବାନ ଗ୍ଲୋଇଂ କଲର୍ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ଗ୍ଲୋଇଂ କଲର୍ ଲିଟିଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସୋ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଫ୍ଲାୱାର୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟୁଏଲ୍ଭ ଦ ରିଭର୍ ରନ୍ସ ବାଇ ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଦ ପର୍ପଲ୍ ଏରେଡ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଦ ରିଭର୍ ରନିଂ ବାଇ ସୋ ଦ ରିଭର୍ ରନ୍ସ ବାଇ ଦ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଥାର୍ଟିନ୍ ଆକୋର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଦ ପୋଏଟ୍ ୱି ଗେଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଆମେ ବଗିଚାରୁ କ'ଣ ପାଉ ଆଇ ପି ଫ୍ରୁଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ହି ମେଡ୍ ଦେମ୍ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ସୋ ଆମେ ବଗିଚାରୁ ରାଇପ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପାଉ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ରାଇପ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫର୍ଟିନ୍ ଆକୋର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଦ ପୋଏଟ୍ ୱି ଗ୍ୟାଦର୍ ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ଏଭ୍ରି ଡେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ'ଣ ଗ୍ୟାଦର କରୁ ନା ଦ ରସେସ୍ ବାଇ ଦ ୱାଟର୍ ୱି ଗ୍ୟାଦର୍ ଏଭ୍ରି ଡେ ସୋ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ରସେସ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫିଫ୍ଟିନ୍ ସି ଏଫ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ସେଜ୍ ଦାଟ୍ ୱି ପ୍ଲେ ଇନ୍ ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ଆମେ କେଉଁଠି ଖେଳୁ ନା ଆମେ ମିଡୋରେ ଖେଳୁ ମିଡୋ ମିନ୍ସ ଏ ଓପନ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସୋ ୱି ପ୍ଲେ ଇନ୍ ମିଡୋ ଅପ୍ସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସିକ୍ସଟିନ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଦ ସଲିଟାରୀ ରିପର୍ ଇଜ୍ ରିଟିନ୍ ବାଇ ଡ୍ୟାସ୍ ପୋଏମ୍ ସଲିଟାରୀ ରିପର୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଛି ନା ଦିସ୍ ପୋଏମ୍ ଇଜ୍ ରିଟିନ୍ ବାଇ ୱିଲିୟମ୍ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ ସୋ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ୱିଲିୟମ୍ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ଟିନ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ୱାକ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ୱାକ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ହିଲ୍ ସୋ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ହିଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟିନ୍ ଦ ରିପର୍ ଗ୍ୟାର୍ ଇଜ୍ ସିଙ୍ଗିଂ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ସଙ୍ଗ୍ ନା ଦ ରିପର୍ ଗ୍ୟାର୍ ଇଜ୍ ସିଙ୍ଗିଂ ଏ ମେଲାଞ୍ଚଲି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ସ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଅ ମେଲାଞ୍ଚଲି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ନା ମେଲାଞ୍ଚଲି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ୍ ସୋ ଦ ରିପର୍ ଗ୍ୟାର୍ ଇଜ୍ ସିଙ୍ଗିଂ ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଅପ୍ସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ଆସ୍କ ଦ ପାସର୍ ବାଏ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ପୋଏଟ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କଲେ ନା ଷ୍ଟପ୍ ଅର୍ ଜେଣ୍ଟଲି ପାସ୍ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିହୋଲ୍ଡ ହର୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ୟନ୍ ସଲିଟାରୀ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ଲାସ୍ ରିପିଂ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗିଂ ବାଇ ହର୍ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟପ୍ ହିୟର୍ ହର୍ ଜେଣ୍ଟଲି ପାସ୍ ସୋ ତାଙ୍କ ସହଯାତ୍ରୀକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟପ୍ ହିୟର୍ କିମ୍ବା ଜେଣ୍ଟଲି ପାସ୍ ସୋ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଷ୍ଟପ୍ ଅର୍ ଜେଣ୍ଟଲି ପାସ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଦ ପୋଏଟ୍ କ୍ୟାରିଡ଼୍ ଦ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଲାଷ୍ଟ ଟାଞ୍ଜାରେ ଅଛି ଦ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇନ୍ ମାଇ ହାର୍ଟ ଆଇ ବୋର୍ ସୋ ଦ ପୋଏଟ୍ କ୍ୟାରିଡ଼୍ ଦ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ହାର୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହାର୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ଦ ହଣ୍ଟିଂ ପାର୍ଟି କନ୍ସିଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ସେଭେରାଲ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ସୋ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟୁ ଦେର୍ ୱେର୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଦ ହଣ୍ଟିଂ ପାର୍ଟି ହଣ୍ଟିଂ ପାର୍ଟିରେ କେତୋଟି ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଥିଲା ସୋ ଦେର୍ ୱେର୍ ଫିଫ୍ଟିନ୍ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ୱିଥ୍ ହରା ସୋ ପଚାରିଛି ଏଠି କେତୋଟି ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ନା ଫିଫ୍ଟିନ୍ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ସୋ ଅପ୍ସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଥ୍ରୀ ଦ ଟାଇଗର୍ କପ୍ ୱାଜ୍ ବ୍ରଟ୍ ଅପ୍ ବାଇ ଡ୍ୟାସ୍ ସେ ଟାଇଗର୍ କପ୍ର କିଏ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ନା କିଏ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ନା ମହମ୍ମଦ ଦ କୁକ୍ ମହମ୍ମଦ ସୋ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ମହମ୍ମଦ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଦ ରୋଡ୍ ରାସ୍ତାରୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର୍ କ'ଣ ପାଇଥିଲେ ନା ଦ ମଙ୍ଗ୍ରେଲ୍ ପପି ସୋ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମଙ୍ଗ୍ରେଲ୍ ପପି ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ଦ କିପର୍ ଟୋଲ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟିମୋଥି ହାଡ୍ ଡେଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଏଗୋ ଅର୍ଥାତ୍ କିପର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର୍କୁ ସୂଚନା ଦେଲେ ଯେ ଟିମୋଥି କେତେ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମରିଯାଇଛି ନା ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ଠାରୁ ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଟିମୋଥି ହାର୍ଟ ଡେଟ୍ ସୋ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଟୁ ମନ୍ଥସ୍ ଅପ୍ସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିକ୍ସ ଦ ମେଡିକାଣ୍ଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ସର୍ଜରୀ ଫର୍ ଡ୍ୟାସ୍ ମେଡିକାଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭିକାରୀ ଜଣକ ସର୍ଜରୀକୁ କ'ଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ନା ଫର୍ ମନିଟାରୀ ହେଲ୍ପ
किसी आर्थिक सहायता। सो ऑप्शन ए मॉनेटरी हेल्प इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। द बेकर एडमिटेड दैट सी वाज सेंट अवे फ्रॉम द जॉब फॉर हिज ड्रंकनेस। से शेषे मानिता ड्रंकनेस जो से तार चाकरी हरैला। सो द राइट आंसर इज हिज ड्रंकनेस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। वंस ए पेयर ऑफ डैश वाज सेंट आउट फॉर द बेगर। थरे बेगर को मध्य पेयर ऑफ ट्राउजर्स देते सर्जेई। सो द राइट आंसर इज ट्राउजर्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। आफ्टर शिफ्टिंग इनटू अनदर हाउस सर्जेई गेव डैश टू द बेगर। सर्जेई बेगर को केते टंका देते ना सर्जे वन रूबेल देते। सो द राइट आंसर इज वन रूबेल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। द स्टोरी टेल्स अबाउट द डिग्निटी ऑफ लेबर इज डैश। क्यों स्टोरी रे डिग्निटी ऑफ लेबर विषय सूचना दिखाई क्यों स्टोरी ना द बेगर। सो ऑप्शन बी द बेगर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31। सी वाज असेम्ड डैश और मिस्टेक्स। एटी आम कौन प्रिपोजिशन लगे पीले ना सी वाज असेम्ड ऑफ हर मिस्टेक। सो ओ एफ ऑफ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। क्रॉप्स कुड हैव बीन बेटर इफ इट डैश वेल। पीले लक्ष्य करो मेन क्लॉज टा केउं टेंस रे अछि ना मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस भी थ्री अच्छी ता मैंने एठे इफ क्लज को टेन्स रही ना इफ क्लज पास्ट परफेक्ट। सो क्रॉप्स कुड हैव बीन बेटर इफ इट हार्ड रेन्ड बुझेगा। सो ऑप्शन डी हार्ड रेन्ड इज द राइट आंसर। आई टोल्ड हिम व्हाट डैश। आई टोल्ड हिम व्हाट हार्ड हैपेंड पास्ट परफेक्ट हम। सो ऑप्शन डी हार्ड हैपेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। ही टॉक्ड इन नॉट ए पोलाइट मैनर ए सिंगल वर्ड फॉर द अंडरलाइन वर्ड विल बी डैश। नॉट पोलाइट मीन्स इम्पोलाइट। सो द राइट आंसर इम्पोलाइट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35। यू कैन नॉट यूज द रूम बिकज इट डैश एट द मोमेंट। ना तुम्हें से रूम को व्यवहार करज इट इज बीइंग रिपेयर्ड। इट इज बीइंग रिपेयर्ड। सो ऑप्शन बी इज बीइंग रिपेयर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। पनिशमेंट फॉर ब्रीच ऑफ रूल और लॉ इज डैश दैट इज पेनाल्टी। सो ऑप्शन सी पेनाल्टी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37। दैट विल ए डेफिनेटली डैश यू ग्रीव यू। एटी ग्रीव विभिन्न प्रकार पिले स्पेलिंग देछि एथरु केउ ग्रीवटा ठीक हबो ना जी आर आई ई वी ई। सो द राइट आंसर जी आर आई ई वी ई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38। डैश ए मंथ पासेस इन द सेवन स्टेट विदाउट ए फेस्टिवल ना हार्डली क्वचित। सो द राइट आंसर हार्डली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39। रिच हार्वेस्ट इज द रिजल्ट ऑफ डैश लेबर ना हार्ड लेबर। एथरु केउ हार्ड टी ठीक हम ना एच ए आर डी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40। पीपुल प्रे टू गॉड टू डैश इविल स्पिरिट्स ना टू ड्राइव अवे इविल स्पिरिट। सो ऑप्शन ए ड्राइव अवे इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41। द बिल्डिंग इज न्यू डैश द रूफ लिक्स। द बिल्डिंग इज न्यू आम एटि कंजक्शन कौन लगे ना बट। द बिल्डिंग इज न्यू बट द रूफ लिक्स। सो ऑप्शन बी बट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42। वी विल हैव द गार्डेनर डैश दिज ट्रीज। एटि पिले आम बेयर इनफिनिट लगे तेनाली लगे प्लांट दिज ट्रीज। सो ऑप्शन ए प्लांट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43। व्वेन वी गेट होम नाइट डैश पे फास्ट घटनाटी हम पास्ट परफेक्ट
सेकेंड घटनाटी हम पास्ट सिंपल आम जितेबले पहुँचलु राति हो जाइला तेणु प्रथम राति हो जाइला सो यहाँ हम पास्ट परफेक्ट तेणु यहाँ कह ना व्वेन गेट होम नाइट हाड अलरेडी फलेन पास्ट परफेक्ट सो ऑप्शन बी हाड अलरेडी फलेन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 डोंट टच ए लीव होयर इट इज ए डैश सेंटेंस यह गोटे कि प्रकार सेंटेंस हम ना यह गोटे हम पे इंपेरेटिव सेंटेंस जेहेतु सेंटेंस टी आमर भर्ब रु आरंभ होउछि सो इट इज आन इंपेरेटिव सेंटेंस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 द फुटबॉल टीम डैश बाथ इन द रिवर नाउ अर्थात एठारे टीम आमर इंडिविजुअल को बुझौछि फुटबॉल टीम रो खेलाड़ी माने नदी में गाधोउछन्ति तेणु एटी इंडिविजुअल सिंगल यूनिट को बुझौनी एटी इंडिविजुअल यूनिट बुझौछि तेणु प्लुराल हबो सो द फुटबॉल टीम आर टेकिंग ए बाथ इन द रिवर नाउ सो ऑप्शन डी आर टेकिंग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 माय ओल्ड बाइक रिमाइंड्स मी डैश माय यंग डेज ना ऑफ माय यंग डेज ओ एफ सो ऑफ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स डैश सीन इज कंधमाल लास्ट ईयर ए हर्ड ऑफ जोठी थिबो सेठी सिंगुलर लागिबो तबे एठी सिंगुलर कोन अछि ना इज अछि आर अछि वाज अछि तबे एठी कोटा परफेक्ट हबो जेहेतु लास्ट ईयर अछि तनु सिंपल पास्ट हबो सिंपल पास्ट हेले एठी वाज लागिबो सो ऑप्शन डी वाज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 ओम प्रिया इज आउट ऑफ ब्रेथ बिकॉज सी डैश ना सी हैज बीन रनिंग ता प्रभाव एबे भी रहिछि दौड़ी के आसुथर से श्वासक्रिया नहीं पारु नाही सो द राइट आंसर हबो हैज बीन रनिंग ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 सीमांचल इज क्वाइट हैप्पी डैश ही इज पुअर जदिबा से गरीब तथापि सीमांचल खुशी तेनाली आम ये कंजक्शन कौन लगे ना जदि सो ऑप्शन ए ऑल्दो इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50 ड्राइव स्लोली द चिल्ड्रेन आर डैश प्ले ना द चिल्ड्रेन आर आर्ट प्ले सो द ऑप्शन बी आर्ट इज द राइट आंसर। समस्त को अनेक अनेक धन्यवाद।